पहले की तजुर्बे में हमने देखा कि किस तरीके से कुछ चीजें जो होती है पानी में मिल जाती है और कुछ चीजें पानी में नहीं मिलती। अब हम एक और तजुर्बा करने वाले हैं जिसके लिए हमने इस बड़े से बर्तन में पानी लिया है और कुछ चीजें हमारे पास में, जैसे कि कुछ पत्तियां है, एक कार्डबोर्ड है, एक कंकर है और एक प्लास्टिक की एक रिफिल है, उसके बाद में एक लकड़िया है और हमारे जो कंपस होता है कुछ सामान जैसे स्केल पट्टी है, रबर है और पेन है और इसी के साथ हमारे पास में चौक भी है। अब हम इन चीजों को पानी में डालेंगे और देखेंगे क्या होता है। डालिए पानी में सब चीजों को डाल के। अभी हमने इसमें सारी चीजें डाल दी, अब हम देखेंगे कि इनके साथ में क्या हुआ। आप बताओ मुझे आपको क्या नजर आ रहा है? पेंसिल है जो वो ऊपर तैर रही है। ओके, आपको क्या नजर आ रहा है? पत्ता और स्केल पट्टी नीचे डूब गई। ओके, आपको क्या नजर आ रहा है? रबर और शार्पनर नीचे डूब। अच्छा, और क्या तैर रहा है इसमें? कार्डबोर्ड। अच्छा, पत्ते। अच्छा, इससे इससे क्या पता चला आपने? जो वजनी चीजें रहते हैं वो नीचे डूब जाते हैं और जो हल्के चीजें रहते हैं वो ऊपर तैरते हैं। समझ गए? देख, जैसे कि आप देख सकते हो जिन चीजों का या आश्रय का वजन जो होता है पानी से कम होता है वो पानी के ऊपर तैरती है। जैसे कि कार्डबोर्ड है ये पानी पे तैर रहा है, ये पेंसिल पानी पे तैर रही है, उसके बाद में जो अलग अलग ये प्लास्टिक की जो रिफिल है ये पानी पे तैर रही है, जो पेन है ये भी पानी पे तैर रही है, इस तरीके से चीजें पानी पे तैर रही है। इन चीजों का जो वजन है पानी से हल्का, इसलिए पानी पर तैर रही थी। मैंने ऊपर के ऊपर निकाल लिया पानी से। अब जैसे कि आप देख सकते हो जिनका वजन पानी से ज्यादा है, जैसे कि इसमें क्या क्या है आप देखो, इसमें ये है रबर, आपका शॉर्पनर, स्केल पट्टी और ये आपका कंकर यानी पत्थर और ये है चौक, ये जो है पानी पे डूब गए। इससे क्या साबित होता है कि ऐसी चीजें जिनका वजन पानी से ज्यादा होता है वो पानी में डूब जाती है और जिनका वजन पानी से कम होता है वो पानी पर तैरती है। इस तजुर्बे से हमने क्या सीखा? जो पानी से वजनी चीजें रहते हैं वो नीचे डूब जाती है और जो पानी से हल्की चीजें रहती है वो ऊपर तैरती है। बिल्कुल सही, जो चीजें पानी से वजनी होती है वो पानी में डूब जाती है और जो चीजें पानी से हल्की होती है वो पानी पर तैरती है। अब हम 3 नंबर का तजुर्बा अगली वीडियो में करेंगे।